छठ पूजा क्यों मनाई जाती है? दिल को छू जाने वाली कहानी। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में रहने वाले एक निरपति थी जिनका नाम सुमित्रा था। सुमित्रा एक साधुवादी समर्पित नारी थी जो अपने परिवार और समुदाय के साथ हमेशा मेहरबान रहती थी। एक बार गांव में बाढ़ का सामना करना पड़ा और सभी लोगों को बड़ी मुश्किल में फंसा दिया। संपूर्ण गांव पानी में डूब रहा था और लोगों को खाने के भी कोई सामग्री नहीं बची थी। सुमित्रा ने इस मुश्किल घड़ी में भी अपने प्रार्थनाओं से भरपूर शक्ति प्राप्त की और वह 4 दिन का व्रत रखने का निर्णय लिया। उन्होंने सूर्य देवता का पूजन करने का निर्णय लिया जिससे बाढ़ का असर कम हो सकता था। छठ पूजा के दिन सुमित्रा ने समुद्र के किनारे जाकर सूर्य देवता के समक्ष अपनी श्रद्धा भावना और प्रेम भरी पूजा की। उन्होंने सूर्यास्त और सूर्योदय के समय विशेष रूप से प्रार्थनाएं की और अर्घ दी। आश्चर्यजनक रूप से उसी दिन से बाढ़ कम होने लगी और गांव में फिर से शांति का वातावरण बन गया। लोगों का हौसला बढ़ा और सुमित्रा को गांव की नायिका माना गया। इसके बाद से गांव वाले हर साल छठ पूजा मनाने लगे, सूर्य देवता की पूजा करके और उनके परिवार की सुरक्षा और खुशियों की प्राप्ति के लिए छठ पूजा गांव की समृद्धि और सामूहिक एकता का प्रतीक बन गई जो आज भी उत्साह से मनाई जाती है। आप सभी को यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसी तरह की कहानी और सुनने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।